नमस्कार मावर्चा में आप सबका स्वागत है। गाइज आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। अभी मेरी बेटी 6 महीने की हुई है और मैंने उसको सेमी सॉलिड देना स्टार्ट कर दिया है। ये चीज़ मैंने अपने व्लॉग चैनल पर शेयर की है तो कई लोग पूछ रहे थे कि आपने कब से स्टार्ट किया है सेमी सॉलिड देना और क्या क्या दे रहे हो। एक्चुअली मैं अपनी बेटी के लिए क्या फूड चार्ट फॉलो कर रही हूँ मैं आपसे ये शेयर करूँ। ये जो वीडियो है ये आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इसमें ऐसी ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि आपको बच्चे को सेमी सॉलिड्स स्टार्ट करने के पहले जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सेमी सॉलिड्स देना स्टार्ट कब से करना चाहिए। जब बच्चा 5.5-6 महीने का हो जाए तभी स्टार्ट कर देना चाहिए, 6 महीने के बाद मत स्टार्ट करिएगा। बच्चे के साथ ऐसा होता है ना कि सही एज पे सही चीज सिखा दो अगर बच्चे को तो फिर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरी बड़ी बेटी को भी मैंने 5.5 महीने में स्टार्ट किया था और आज उसकी ईटिंग हैबिट्स इतनी अच्छी है मुझे आज तक कि उसके पीछे खाना लेकर नहीं भागना पड़ा है। वो आज की डेट में लौकी, तुरई, पम्पकिन सारी चीजें खाती है, फ्रूट्स लेती है, दही लेती है, सब खाती है। तो सेम चीजें मैं अपनी छोटी बेटी के साथ भी फॉलो करने वाली हूँ एंड ऑब्वियसली अब व्लॉग में आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो अगर आपने मेरे व्लॉग चैनल को फॉलो नहीं किया तो जाकर कर सकते हैं, सोनल्स व्लॉग्स व्लॉग चैनल नेम है। एनीवे तो 5.5 महीने का बच्चा है या 6 महीने का आपको तब से सॉलिड स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि ईटिंग हैबिट्स बच्चे की अच्छी होती है। दूसरा चीज ये है कि बच्चा हेड कंट्रोल करना सीख जाता है। बच्चे के पास अगर आप स्पून लेकर जाओगे तो वो मुंह ओपन करने लग जाता है। साथ ही उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी है वो मैच्योर हो चुका होता है। अभी तक वो दूध ही डाइजेस्ट कर सकता था लेकिन अब बच्चे को आप सॉलिड्स भी दे सकते हो तो एक तरह से आपका बच्चा प्रिपेयर हो चुका है सेमी सॉलिड्स को लेने के लिए। एक और बात, ब्रेस्ट फीड आपका वैसे का वैसे ही चलेगा या फॉर्मुला देते थे या ब्रेस्ट फीड जो भी दे रहे हो आप वो ऐसे का ऐसे ही चलेगा। स्टार्टिंग का जो 6 महीने होता है ना उसमें जस्ट आपको बच्चे को बताना है कि दूध से हटके भी कुछ चीजें हैं जो कि हैं खाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं उसका पेट भरना है अभी। जैसे अभी उसको हम इनिशियल जो 1st मंथ होता है 6वां महीना उसमें हमें जस्ट सिखाना है बच्चे को कि दूध से हटके भी चीजें हैं। ओके अब बात करते हैं कुछ टिप्स की जो कि आपको सेमी सॉलिड्स देने के पहले जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज कि जब बच्चा भूखा हो आपको तभी सॉलिड्स सेमी सॉलिड्स नहीं खिलाना है क्योंकि होगा कि अभी तक बच्चा बॉटल लेता था या फिर ब्रेस्ट फीड पे था। अब जब बच्चे को भूख लगेगी तो उस टाइम पे अगर आप स्पून लेकर जाओगे उसके माउथ के पास वो लेगा ही नहीं भले ही कितना भूखा हो। बेटर है कि 2 फीड्स के बीच में ही आप बच्चे को सेमी सॉलिड्स ऑफर करो। जैसे कि मान लो आपके 2 फीड के बीच में 2.5-3 घंटे का आप गैप रखते हो तो 1.5 घंटे बाद या 1 घंटे बाद एक बार फीड करा दिया, 1 घंटे बाद आप बच्चे को सेमी सॉलिड्स यहाँ पर स्टार्ट करना है देना। तो इस तरीके से भी आप बच्चे को दोगे उसको एंजॉय करेगा, उसको टेस्ट करेगा और आपको भी उसका रिस्पॉन्स पता चलेगा कि क्या कर रहा है। वरना अगर आप भूखा है बच्चा आपको दूध देना चाहिए बट अगर आप सेमी सॉलिड्स दोगे तो बच्चा उस टाइम पे रोएगा और आपको लगेगा यार बच्चा खा ही नहीं रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम आप जब खिलाने जाओगे बच्चे को क्या क्या खिलाओगे मैं अभी आपको बताऊंगी बट जब अभी खिलाने जाओगे बच्चे को तो कोशिश करिएगा सुबह का जो 11 बजे 10 से 12 बजे का टाइम है उस टाइम पे आप खिलाओ क्योंकि आपको भी नहीं पता है पर्टिकुलर फूड हो सकता है बच्चे को एलर्जी हो सकता है बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाए बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है रैशेज आ जाए क्योंकि एलर्जी होती है कुछ कुछ बच्चों में बस ये लेकिन ये बहुत कम होता है बट स्टिल आपको मॉर्निंग में ही ट्राई करना चाहिए जिससे कि आपके पास पूरा दिन रहे अगर इन केस आपको डॉक्टर के पास ले जाना हो तो ले जा सको। रात में कभी भी आप ट्राई नहीं करना क्योंकि हो सकता है बच्चा रात में सोए ना आप जब सॉलिड स्टार्ट करो तो। नेक्स्ट बहुत जरूरी टिप ये है कि जो फूड का टेक्सचर है कैसा है वो ये बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप प्यूरी बना रहे हो लेट्स से एप्पल प्यूरी बना रहे हो तो बिल्कुल लिक्विड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दूध जैसी रनी नहीं होना चाहिए। सेमी सॉलिड्स का मतलब क्या होता है थोड़ा सा थिक भी हो थोड़ा सा रनी भी हो एक सौ क्योंकि बच्चे में ऐसे क्या आता है च्यू करना नहीं सीखते हैं। मैश्ड फूड हो तो ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अगर आप मिक्सर में उसको पीस दोगे फिर पानी मिला दोगे बिल्कुल दूध जैसा हो जाएगा पानी जैसा हो जाएगा वो तो बच्चा केवल गुटकना सीखेगा लेकिन उसको च्यू करना नहीं सीखेगा। ऐसे कई लोगों के क्वेरीज आते हैं बोलते हैं मेरा बच्चा 1.5 साल का हो गया 2 साल का हो गया लेकिन उसने अभी तक चबाना नहीं सीखा है। रीजन यही है वो मतलब लिक्विड ही देते जाते हैं। या आप ये कर सकते हैं इनिशियल 1 वीक है उसमें आप लिक्विड दो, जब बच्चा एक बार खाना स्टार्ट कर देगा टेस्ट उसको अच्छा लगने लगेगा नेक्स्ट वीक से आप थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी है जो थिक कर सकते हो। एक और चीज बहुत ज्यादा थिक भी नहीं रखना है आपको क्योंकि अगर आप थिक रखोगे फूड को तो फिर बच्चे को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी तो एक सा होना चाहिए। 4th थिंग जो कि बहुत जरूरी वो ये है कि आपको बच्चे को 1 साल शुरू कर शक्कर तो बिल्कुल भी नहीं देनी है, चीनी आपको बिल्कुल भी नहीं देना। आप सोचो कि मैं कोई प्यूरी बना रही हूँ चलो थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ बच्चा खा लेगा, चीनी बहुत ज्यादा रिफाइंड एक शुगर होती है तो प्रोसेस किया जाता है उसको केमिकल्स वगैरह डाल करके तो बच्चे को नुकसान करती है। आपको 1 साल तक की शहद भी बिल्कुल नहीं देना है, कई टीजिंग के टाइम पे शहद लगा देते हैं बच्चों के मसूड़ों पे तो ये सब आपको नहीं करना है। 3rd थिंग नमक
हो सके तो मत दीजिएगा। नमक भी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है साल भर तक की, ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें मैंने अपनी बड़ी बेटी में फॉलो की थी स्ट्रिक्टली, एंड ऑब्वियसली सेकेंड बेटी में भी मैं फॉलो करने वाली हूँ। आप बच्चे के खाने में टेस्ट को इन्हांस करने के लिए नमक या चीनी के अलावा कुछ और चीज़ें दे सकते हो, जैसे आप गुड़ दे सकते हो, जीरे का भुना हुआ जीरे का पाउडर या फिर दालचीनी पाउडर, ये सब आप ऐड कर सकते हो, तो बच्चे के फूड का जो टेस्ट है वो इन्हांस हो जाएगा और आपको चीनी और नमक देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, जब आप सेमी सॉलिड स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपका बच्चा उसको थूक दे, ना खाए पर्टिकुलर फूड, जैसे सूजी वगैरह दी, हो सकता है ना खाए, वो उगल दे। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा एक वीक तक की वेट करना है, बच्चे को टाइम देना है, फिर आप नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने देख लिया कि जैसे मान लीजिए बनाना प्यूरी दी आपने, बनाना प्यूरी से बच्चे को हो सकता है अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो आपको थोड़ा सा रुक जाना है, 6-7 दिन का वेट कर लेना है, फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। एक और बहुत जरूरी टिप ये है कि आप हमेशा एक ही फूड से ट्राई स्टार्ट करिएगा। ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए जो कि आपने मिक्स करके दे दिया और पहले कभी ट्राई नहीं किया है। मतलब कि हमेशा आपको बच्चे को सिंगल इंग्रेडिएंट ही देना है। जब आप दोनों सिंगल इंग्रेडिएंट को जब बच्चा पचा पा रहा है, फिर आप मिक्स करके भले ही दे सकते हो। आप 3 डेज रूल भी फॉलो कर सकते हो। 3 डेज रूल में क्या होता है, जैसे कि आपने लेट से बनाना प्यूरी बच्चे को स्टार्ट किया देना, और उस डे दिया आपने बनाना प्यूरी, फिर नेक्स्ट डे भी आपको बनाना प्यूरी ही देना है, और 2 दिन तक की आपको समझ में आ जाएगा वैसे कि बच्चे को ये मतलब बच्चा पचा पा रहा है कि नहीं पचा पा रहा है। अगर नहीं पचा पा रहा है तो फिर आपको तुरंत ही रोक देना है, दूसरा फूड दे सकते हो। फिर उस पर्टिकुलर फूड को आपको 6-7 दिन बाद स्टार्ट करना है। जैसे बनाना प्यूरी से अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या वो एलर्जी हो रही है, तो आप बाद में आप दे सकते हो। अच्छा, 6 महीने से बच्चे को पानी देना भी स्टार्ट कर देना है आपको। जैसे कि मान लीजिए दाल का सूप दिया है आपने, तो उसके बाद आप पानी पिला दीजिए। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि दिन में आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार अलग से पानी पिलाना जरूरी है। एक और चीज कि आपको पानी है जो वो बॉटल में नहीं देना है, वरना बच्चे केवल बॉटल ग्लास व्लास से पीना नहीं सीख पाते हैं। 4-5 साल के हो जाते हैं, वो बॉटल से ही हर चीज को लेते हैं। तो अगर आप दूध को बॉटल से दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन पानी या दूसरे जो लिक्विड उनको कोशिश करिए कटोरी और चम्मच से ही पिलाए, जिससे कि आगे जाकर आपको खुद को प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चे का पानी होगा वो मेक श्योर करिएगा बॉइल्ड हो, मतलब बॉइल कर लिया है, फिर आप उसको ठंडा करके बच्चे को पिलाइए। अभी शुरू के 1 साल एटलीस्ट ऐसे करिए, फिर जब 1 साल से बड़ा हो जाए बच्चा, तो आपका जो नॉर्मल जो आप पानी पीते हो वही पिला सकते हो। एक और टिप ये है कि जैसे मान लीजिए 6 मंथ से स्टार्ट कर रहे हो या 5.5 महीने से स्टार्ट कर रहे हो बच्चे को सॉलिड्स देना, तो आप सबसे पहले जो शुरू का 1 हफ्ता है केवल आप 1 टाइम ही दीजिएगा। फिर आप दूसरे हफ्ते से दिन में 2 बार कर सकते हो। 6वें महीने में पूरा जो 6 मंथ है आप चाहो तो इसमें दिन में 2 बार ही दे सकते हो सॉलिड्स, दैट्स इनफ। और ये मत सोचिएगा कि जितना मैंने बोल में लिया है वो सारा बच्चा फिनिश करे, मतलब 1-2 स्पून भी खा लिया ना अगर बच्चे ने तो ठीक है। वो अभी उस टाइम पे हमें सिखाना है कि कैसे खाया जाता है, स्वेलो कैसे किया जाता है, च्यू कैसे किया जाता है, और थोड़ा सा टेस्ट बस। फिर हम 7th-8th मंथ से बच्चे को एक्चुअली हम धीरे धीरे एक्चुअल डाइट पे लेकर आते हैं, और 1-1.5 साल तक की बच्चा जो आप फैमिली में खाना खाते हो सब कुछ खाता है। मतलब मेरी बड़ी बेटी का तो ऐसा था कि दाल रोटी सब कुछ खाने लगी थी, वो साल भर की थी, सब्जी दाल रोटी हम उसको सब कुछ देते थे। तो आप शुरू से ही थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से बच्चा खाना खाना सीख लेगा। आजकल पेरेंट्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही ध्यान दे दोगे ना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या फूड है जो आप बच्चे को पहले दे सकते हो फर्स्ट डे से ही। पहली चीज है फ्रूट प्यूरीज आप दे सकते हो। फ्रूट प्यूरी में आप एप्पल की प्यूरी दे सकते हो। एप्पल का जूस मत दीजिएगा, प्यूरी दीजिएगा। अच्छा, किसी भी फ्रूट का जूस है जो वो आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन हर रोज मत दीजिए क्योंकि जूस से कुछ नहीं मिलता बच्चे को। मेन जो होता है फाइबर होता है फ्रूट में। अब उसको हम ऐसा बड़ा एप्पल तो दे नहीं सकते हैं, तो आप एप्पल की प्यूरी बनाइएगा। प्यूरी कैसे बनती है वैसे मैं इसके सेपरेट वीडियोस करूंगी, इसी चैनल पे आपको मिलते जाएंगे अलग अलग रेसिपीज की वीडियो। जूसेस की बात करूं तो जैसे कि आप वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन का जूस मत दीजिए। इससे अच्छा है कि जो वो अदरक वाली ग्रेटर आता है ग्रेट करने का, उससे आप ग्रेट करके दीजिए। उससे क्या होगा, फाइबर भी पहुंचेगा बच्चे में और जूस भी पहुंचेगा। लेकिन जूस आपको हर रोज नहीं देना है, वीक में 1 या 2 बार ठीक है चलेगा। क्योंकि अगर आप जूस ज्यादा दोगे तो बच्चों के जो दांत आने वाले होते हैं टूथ डिके की प्रॉब्लम हो जाती है, वेट भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, फाइबर्स नहीं पहुंचते हैं बच्चे की बॉडी में, तो कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। आप कोशिश करिए प्यूरीज दीजिए तो वो बेटर होगी बच्चे के लिए। तो एप्पल को आपको स्टीम करके ही प्यूरी बनाना है। कुछ आप बॉईल करके भी दे सकते हो, बॉईल करके आप उसको मैश करके भी दे सकते हो, लेकिन होता क्या है बॉईल करने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बेस्ट है कि आप स्टीम करके दो। एप्पल प्यूरी ऐसा ऑप्शन है जो कि आप बच्चे को चाहो तो डेली भी दे सकते हो, नुकसान नहीं करेगा।
दूसरी चीज है बनाना प्यूरी। बनाना प्यूरी बहुत ही सिंपल है बनाना, जस्ट उसको आपको मैश करना है मिल्क, मतलब ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मुला मिल्क, उसमें मिक्स करके बच्चे को आप दे सकते हो थोड़ा सा पतला करके। बनाना प्यूरी आप चाहो तो बच्चे को वीक में 3-4 बार दे सकते हो। उसके बाद अगर मैं फ्रूट प्यूरीज की बात करूं, पपाया की प्यूरी दे सकते हो आप बना के, चीकू की प्यूरी दे सकते हो बना के, एवोकाडो की दे सकते हो, और जो नाशपाती आते हैं पैर उसकी प्यूरी भी बनाकर आप दे सकते हो। तो ये फ्रूट प्यूरीज है ना। नेक्स्ट ऑप्शन बात करते हैं वेज प्यूरीज आप दे सकते हो। पम्पकिन जो कद्दू हो गया वो इतना ज्यादा फायदेमंद होता है बच्चे के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वेट गेन में भी हेल्प करता है। तो आप पम्पकिन की प्यूरी, जस्ट पम्पकिन के आप छिलके निकाल करके टुकड़े करके उसको स्टीम कर लीजिए, उसको मैश करके बच्चे को खिलाइए। बच्चे एक्चुअली पसंद भी बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत मीठा होता है, स्वीट होता है। नॉनवेज प्यूरी में आप लौकी की प्यूरी दे सकते हो, गाजर की प्यूरी दे सकते हो, और आप चाहे तो पोटैटो की प्यूरी भी बना सकते हो। बट मैंने तो पोटैटो की प्यूरी अपनी बड़ी बेटी को भी नहीं दी है क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है फिर जैसी आदत डालो वही वही खाते हैं बच्चे को। अगर पोटैटो पसंद आए तो पता चला वो बड़े होकर पोटैटो ही खाता रह गया, हरी सब्जियों पर हाथ ही नहीं लगा रहा है। तो आप मतलब गाजर वगैरह की दे सकते हो प्यूरी। ओके, नाउ बात करते हैं सीरियल्स में जो अन्न है अनाज उसमें आपको क्या देना है। तो फर्स्ट थिंग आप दाल दीजिए, मूंग दाल आप बिल्कुल डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं मूंग दाल से। तो आप क्या कर सकते हो, मूंग दाल का ना आप पाउडर भी बना सकते हो, उसकी रेसिपी आपको चैनल पे मिल जाएगी या आप मेरा व्लॉग चैनल देखेंगे तो उस पर भी मैं पोस्ट करूंगी क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बनाने वाली हूँ पाउडर। तो दाल और चावल का मिक्स करके आप पाउडर भी बना सकते हो। तो उसको आपको बनाना बहुत ईजी होता है क्योंकि थोड़ा सा दाल पे कुकर लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बेटर है कि आप थोड़ा सा पानी में बॉइल कर लो उस पाउडर को, बच्चे को दे दो। तो जो शुरू का 6 मंथ है आप मूंग की दाल धीरे धीरे, फिर एक जैसे एक वीक आपने मूंग की दाल दिया, नेक्स्ट वीक से आप तुअर दाल भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा और कोई दाल मत देना 6 मंथ में, वरना बच्चे को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। और दाल बनाने के पहले भी थोड़ा सा उसको पानी में भिगो दो 10-12 मिनट, उसके बाद उसको आप पकाओ तो इस तरीके से जो उसकी पॉलिशिंग वगैरह है ना वो निकल जाती है, बच्चा पचा लेता है दाल को अच्छे से। ओके, दाल में भी ऐसा है कि दाल का पानी बोलते थे ना पुराने लोग, पहले के लोग, कि दाल का पानी पिला दो बच्चे को। पानी नहीं पिलाना है, दाल का पानी भी लो बट उसमें दाल भी और मैश कर लो अच्छी, बिल्कुल घुल गई हो दाल तो वो थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी दाल हो, ऐसा भी हो पानी पानी हो, पानी से कुछ नहीं मिलना है बच्चे को, दाल भी देना है हमें। इसीलिए मूंग की दाल से आप जो धुली हुई मूंग की दाल होती है उससे आप स्टार्ट करिए और बच्चे को डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। बट नेक्स्ट है सूजी। सूजी आप बहुत अच्छे से दे सकते हो बच्चे को, थोड़ा सा भून करके उसे पानी से अच्छा सारा अच्छा खासा बॉईल कर लो। फिर जैसे आपने मान लो बच्चे को बनाना भी इंट्रोड्यूस कर दिया, एप्पल भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आप सूजी में बनाना मैश करके खिला सकते हो पतला पतला, एप्पल की प्यूरी मिक्स करके आप बच्चे को खिला सकते हो। तो इस तरीके से आप इन सबको दे सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो रागी हो गई, दलिया हो गई, ये सब चीजें आपको 7th मंथ से स्टार्ट करनी चाहिए। अभी के लिए 6 मंथ के लिए इतना ही बहुत है। दाल होगी दोनों तरीके की, सूजी हो गई, फिर 7th मंथ का मैं अलग से डाइट चार्ट बताऊंगी। तो जब बाकी आप मेरे ब्लॉग चैनल को फॉलो कर सकते हो तो वहां से आपको काफी चीजें हैं जो आइडिया लग जाएगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे की वीडियो में मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ 6 मंथ में क्या क्या दे सकते हो, बने रहिएगा आप वीडियोज के साथ। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।